स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे आज आप नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे, नवा यूनिट बायो मॉलिक्यूल्स। तो जिहड़ा केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ चैप्टर आ वो तो जस्ट सिंपल जिहा चैप्टर सीगा, ठीक है। तो उहदे च डायरैक्ट डेफिनेशनस आउंदियां ने ते और अपने को उहदे च क्वेश्चन आउंदे ने एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। सो बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स हुंदे की है? बायो रिलेटेड टू लिविंग, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स यह ऑरगेनिक कंपाउंड्स होंगे जिहड़े अब बेसिस ऑफ लाइफ बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जिहड़े आ ओह बायोमोलिक्यूल्स अपने को बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक कह देंगे इन्हों ऑफ सैल या ऑरगनलीस। तो बायोमोलिक्यूल्स ऑरगनलीस फॉर्म करते हैं, उस तो फिर अगे सैल बनते हैं, सैल तो टिशू, टिशू तो ऑरगन, दैन ऑरगन तो ऑरगन सिस्टम। तो जनरली आप कह सकते हैं दिस यह बेसिस ऑफ लाइफ एंड हैल्प टू हैल्प इन ग्रोथ एंड आप कह सकते हैं कि जिहड़ा लाइफ नू मेनटेन करन च, इन द सेंस कि जिहड़े मैटाबोलिज्म हो रहा है, अलग अलग प्रोसैस होंगे आ इन लिविंग थिंग्स, जिवें आप डिजेशन जिहड़ी हुंदी है, डिजेशन अबजॉर्ब न्यूट्रीशंस वगैरह, रेस्पीरेशन वगैरह, ठीक है। तो उहदे च जिहड़े यूजफुल होण। तो बायोमोलिक्यूल्स हुंदे किहड़े आ? कार्बोहाइड्रेट्स आ जांदे अपने को, इन्हां च आ जांदे कार्बोहाइड्रेट, तो अगे अपने को प्रोटीनस आ जांदे आ, फिर न्यूक्लिक एसिड, दैन विटामिनस, एनजाइम्स, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वन बाय वन इन्हां नूं स्टडी करांगे। सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जिहड़े हुंदे आ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड, हाइड्रोक्सी मतलब इहदे च ओ एच ग्रुप दो तो ज़्यादा होणगे, अल्डीहाइड अल्डीहाइडिक ग्रुप हो सकदे आ इहनां च प्रेजेंट, और किटोनस ग्रुप हो सकदे आ, ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड या किटोनस हुंदे, ठीक है। तो यह अगे जिहड़े आ अगर इन्हां दी आपां फर्दर हाइड्रोलिसिस करदे आ तो दे विल गिव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड और किटोन्स वी विल गैट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अपना डेरीवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बनस भी कहते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से बोंड ही होंगे, इन्हों जनरली सैकराइड्स भी बोलया जाता। सैकराइड्स का मतलब होंगे शुगर, ठीक है। तो यह दीज आर स्वीट इन टेस्ट, ओके। सो इन्हों की टाइप्स करनिया ने अगे। तो फर्स्ट जी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है, टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट नूं आपां तीन टाइप्स डिवाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज मोनोसैकराइड्स, सैकेंड डाइसैकराइड्स, ठीक है, और थर्ड वन इज पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। सो इन्हां नूं आपां जिहड़े आ ओलिगोसैकराइड्स भी हुंदे आ। एक ओलिगो नूं जिहड़ा आपां कहिंदे आ, ओलिगो अगे काफ़ी टाइप, तो इत्थे आएगा ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स दी अगे टाइप्स आ, ठीक है, तो उह बाद चों डिस्कस करांगे। सो फस्ट मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स नूं आपां जिहड़े आ, मोनो मतलब सिंगल, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हुंदे, ठीक है। तो जिहड़े आ इह हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुंदे, इन्हां दी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाउंदे। तो मतलब इह सिंपल जिहड़ा अपने को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड होएगा या कीटोन होएगा, उही अपने को कार्बोहाइड्रेट होएगा। फर्दर अगर उहदी आपां हाइड्रोलिसिस करवावांगे तां दे विल फॉर्म ओलिगो और पॉलीसैकराइड्स। तो इन्हां नूं डिवाइड करदे आ आपां, सो इन्हां नूं डिवाइड करदे आ आपां एल्डो टेट्रोस। टेट्रोस तो मतलब जिहड़ा टेट्रा, चार कार्बन इनकलूड होणगे। एल्डो मतलब अल्डीहाइड, ठीक है। सो एल्डो पेंटोस, पेंटोजस, ठीक है, मतलब यह शुगर आ। तो फाइव कार्बन इनवॉल्व होणगे और अल्डीहाइड एक ग्रुप। तो इन्हां दी एग्जाम्पल इरिथ्रोस, ठीक है, एंड थ्रियोस। तो जस्ट अजे एग्जाम्पल करना, बाद चो एक्सप्लेन कर दी। इहदी एग्जाम्पल जाइलोस एंड राइबोस, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਰ ਐਨ ਏ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ, ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ, ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਗੈਰਾ, ਤੋ ਐਲਡੋਹੈਗਜ਼ੋਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀਟੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ, ਮਤਲਬ 6 ਕਾਰਬਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਕਟੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਡੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਡੋ ਸੋਰੀ ਕੀਟੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸਟਰਕਚਰ 6 ਕਾਰਬਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 6 ਕਾਰਬਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਕਾਰਬਨ ਆ ਗਏ, ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਚ ਓ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਟੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓ ਐਚ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੋਗਾ ਸੀ ਐਚ ਟੂ ਓ ਐਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਡੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ, ਫਰਕਟੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਐਚ ਟੂ ਓ ਐਚ ਸੀ ਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਐਚ ਓ ਐਚ ਸੀ ਓ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚ ਸੀ ਓ ਐਚ ਐਚ ਐਂਡ ਸੀ ਐਚ ਟੂ ਓ ਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਟੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਐਂਡ ਐਲਡੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਅਜੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਊ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਿੰਪਲ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ ਐਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਟਰਾ ਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਈ ਸੈਕਰਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਟੂ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਆ C12 H22 O11 ਸੁਕਰੋਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ C6 H12 O6 ਐਂਡ C6 H12 O6 ਫਰਕਟੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਮੋਨੋਮਰ ਆ, ਦੋ ਮੋਨੋਮਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੋਰੀ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਮਿਲ ਗਏ ਔਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੈਕਟੋਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਗਲੈਕ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਰੈਫੀਨੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ C18 H32 O16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਰੈਫੀਨੋਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 'ਚ ਦੇਗੀ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਗਲੈਕਟੋਜ਼, ਤੋ ਤਿੰਨ ਸਿੰਪਲ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਟ੍ਰਾਈਸੈਕਰਾਈਡ, ਅਗਰ ਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋ ਟੈਟਰਾਸੈਕਰਾਈਡਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਤੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ +1 ਚ ਬਾਇਓ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, CH2OH H H O H, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਟੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਜ਼ੋਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ H O H C H 2 O H H, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਲਿੰਕੇਜ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੋ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਦੀ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ
अटैच करी जा, लेकिन लिंक्ड हुई जान, तो उदे दे आपां नूं होर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, ठीक है, टेट्रासेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जनरली जिहड़े हुंदे आ, पॉलीसेक्राइड अपने को पॉलीमर हुंदे आ, किहना दे पॉलीमर होणगे, मोनोसेक्राइड्स दे, ठीक है। उहदे च मोनोसेक्राइड्स आपस च जुड़ के अगे दी अगे जिहड़े आ स्ट्रक्चर्स बनाउंदे आ, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स दी एग्जांपल अमाइलोपेक्टिन एंड सेलुलोज, ठीक है, दोनों हुंदे आ। तो सेलुलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, क्लियर। तो ये तो जिहड़ी आ आपां ने टाइप्स कीतियां। नेक्स्ट आपां ग्लूकोज और फ्रक्टोज बारे पढ़ांगे, ठीक है, उन्होंने स्ट्रक्चर्स। तो अपने को दो तरह दी शुगर्स होंदियां, एक होंदी है रिड्यूसिंग शुगर, एक होंदी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो जिहड़ी टेस्ट दवे टोलन रेजन का टेस्ट, ठीक है, और फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट, जिन्हें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, वो होंगी है रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कीटोन्स होंगे, ठीक है, जिन्हें कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्डिहाइड एंड सॉरी टोलन रेजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं देंगे। तो फैलिंग सोल्यूशन और टोलन रेजेंट का टेस्ट वो नहीं देंगे जिन्हें कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो। जिहड़े टेस्ट दिंदे उहनां च अल्डिहाइड ग्रुप हुंदा, तां उहनां नूं आपां बोलदे आ रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है जी। सो अगे आपां पढ़ांगे ग्लूकोज बारे, देन फ्रक्टोज। इहनां दे स्ट्रक्चर्स आ सकदे ने, ठीक है, वैसे रिएक्शंस तां काफ़ी लेंथी हुंदियां ने ग्लूकोज दियां। सो जिहड़ा ग्लूकोज है ग्लूकोज शुगर होंगी है, जनरली जी यूज की जाती है, इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी राइप ग्रेप्स प्रेजेंट होंगी है, ठीक है। तो इन्हू आप ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, क्लियर। सो ग्लूकोज से जिहड़े आ एल्फ स्ट्रक्चर तो नहीं करांगे प्रेपरेशंस, तो सिंपल यदा स्ट्रक्चर पढ़ांगे। ये म्यूटा रोटेशन होंगी है, एक टर्म म्यूटा रोटेशन तो मतलब दो फॉर्म्स होंगे कि एक अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, एक बीटा डी ग्लूकोज। तो जो दोनों ही इक्विलिब्रियम चो, अल्फा और बीटा च की फर्क है ये मैं दसदी हाँ। सो अल्फा ग्लूकोज जी होंगी है फर्स्ट कार्बन, यदा फर्स्ट कार्बन चेक करो, मतलब वैसे तो आ होएगा फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप को छड़ के नेक्स्ट जो कार्बन होंगे वो चेक करो। इत्थे जिहड़ा ओ एच हुंदा वो अपने को जिहड़ा आ राइट हैंड साइड हुंदा, इत्थे ओ एच जिहड़ा आ वो लेफ्ट हैंड साइड आ। तो इहनू आपां जिहड़े आ इह एपीमर्स हुंदे आ, जिहड़े आपां कह सकदे आ रोटेशंस अराउंड फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो इहनां नूं जिहड़े आपां कह सकदे आ इह अंडर म्यूटा रोटेशन हुंदे आ, तो चेंज हो सकदे आ, इक्विलिब्रियम हुंदा इहनां दे विचकार, क्लियर। तो इह बीटा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज, सॉरी ये एपीमर्स नहीं होंगे, एनोमर्स होंगे है। एनोमर्स वो होंगे, ठीक है, दो सेम स्ट्रक्चर्स होंगे बट मतलब फॉर्मूला सेम होएगा, बस जिहड़ा अरेंजमेंट है फर्स्ट कार्बन दे अराउंड डिफरेंट होना, उन्होंने आप एनोमर्स बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आप पढ़ांगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किदा बनते हैं ग्लूकोज से, पहला अपने चेन स्ट्रक्चर किए, अल्डीहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो इत्थे ओ एच एच, ठीक है, ओ एच एच सी जिहड़ा इत्थे एच ओ एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ठीक है जी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किदा बनते हैं, इत्थे अपने को ऑक्सीजन दे थ्रू लिंकेज होंगी है, जिवें हुण आह वाला हाइड्रोजन ये ते अटैक करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, इत्थे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्लियर। सो इत्थे हुण आ जिहड़ा इन्हें अटैक किया ना ऑक्सीजन दे थ्रू, इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन इत्थे दे के गया है, उन्हें अटैक किया उहदे ते, ठीक है। तो आह ऑक्सीजन जिहड़ा आ लिंक्ड हो गया, ठीक है, इत्थे जिहड़ा अपने को ऑक्सीजन ते नेगेटिव चार्ज आया सी ना जदों शिफ्ट होणगे इहदे ते, तो
इस तरह लिंकेज बन गई। ठीक है, तो हुण इहदा साइक्लिक स्ट्रक्चर किद्दां बनावांगे। देखो हुण ऑक्सीजन दो दो नाल लिंक्ड है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है। तो ऑक्सीजन आ कार्बन 1 हो गया, अगर राइट हैंड साइड है तो ओ एच एच, ठीक है, आह 1 कार्बन हो गया, आह सेकंड कार्बन ओ एच एच, थर्ड कार्बन ओ एच एच, ठीक है, नेक्स्ट जिहड़ा है फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन च अपने को जिहड़ा है लेफ्ट हैंड साइड आ रहा ओ एच एच, फिफ्थ कार्बन ते दो ग्रुप अटैच है सी एच टू ओ एच एच, ठीक है। तो दिस इज दी साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो इनू अपन जिहड़ा हुण मैं स्ट्रक्चर बनाया ये अल्फा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अल्फा स्ट्रक्चर है। अगर सिर्फ अपने को अरेंजमेंट, इतने मैं गलत लिखता, जिहड़ा फर्स्ट कार्बन ते ओ एच इस साइड है ना, तो आ चीज़ अपने को अरेंजमेंट गलत हो गया अल्फा का, ठीक है, ओ एच एच, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन ते राइट हैंड साइड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड अपने को आएगा डाउन, ओके, राइट हैंड साइड डाउन, देन लेफ्ट हैंड साइड अप, ओके, राइट हैंड साइड जिहड़ा है डाउन, क्लियर हो, आ चीज़ सही। सो अगर अपने को फर्स्ट कार्बन ते अरेंजमेंट जिहड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओह डाउन डाउन आ, ठीक है, उदो अल्फा, अगर यह फर्स्ट कार्बन ते अरेंजमेंट इस तरह हो गया देन यह हो जाना बीटा, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इन्हां दे अपने को जिहड़े हुण अगर ना बेंजिन है, बेंजिन दियां तुसीं दो कन्फर्मेशन पढ़ियां होनियां, तो बेंजिन भी 6 कार्बन दी हुंदी है, चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन, ठीक है, चेयर एंड बोट कन्फर्मेशन। तो इहदियां भी अपने को यह 6 कार्बन आ, तो इहदियां भी चेयर कन्फर्मेशन बनदी है, चेयर कन्फर्मेशन हुंदी है लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो किद्दां बनावांगे चेयर कन्फर्मेशन, आ हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे नाल आ कार्बन 1, कार्बन दे नाल आह सेकंड कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन दे नाल आह अपने को थर्ड, तो थर्ड तो बाद फोर्थ, ठीक है जी, आह फिफ्थ हो गया, ओके, ठीक है, तो इहदे नाल लिंकेज, यह चेयर कन्फर्मेशन। हुण अरेंजमेंट एच ओ एच, ठीक है जी, एच एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होंगी इतने भी, ओ एच एच ओ एच एच, ठीक है, थर्ड कार्बन फिफ्थ कार्बन ते अपने को सी एच टू ओ एच एच, ठीक है, तो यह चेयर कन्फर्मेशन है, क्लियर। तो अगर यह अपने को डाउन आ तो अल्फा, अगर इतने तो बीटा, क्लियर। तो यह सीगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज बारे कल दे लेक्चर च डिस्कस करांगे। फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर सेम ही है, बस फर्क थोड़ा जिहा होना उहदे च, ठीक है। तो फ्रक्टोज तो बाद कुछ डिस्कशन करांगे, एपीमर्स वगैरह की होंगे या फिर न्यूक्लिक एसिड करांगे, ठीक है, हॉर्मोन्स वगैरह। तो थोड़ा ही चैप्टर 2-3 दिन च खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।